तलवारबाजी प्रतियोगिता में जौहर दिखाने वाले 3 दर्जन से अधिक बच्चों को रामगढ़ के उद्यमियों के द्वारा किया गया सम्मानित। प्रदेश स्तर पर हुई तलवारबाजी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रामगढ़ जिले के करीब 3 दर्जन से अधिक बच्चों, तरुण और युवाओं की प्रतिभाओं को पंख देने के लिए उद्यमियों ने किया भव्य सम्मान समारोह। यह पहल की रामगढ़ के प्रतिष्ठित समाज सेवी विजय मेवाण ने। इस तरह के आयोजन से प्रोत्साहित हो खिलाड़ियों के चेहरे खिल उठे और रामगढ़ के लिए राष्ट्रीय पदक हासिल करने के लिए प्रेरित हुए। रामगढ़ जिला फेंसिंग संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार, सचिव राकेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष प्रशांत कुमार की मौजूदगी में हो रहे इस समारोह में वे काफी प्रफुल्लित दिखे। इस मौके पर ग्रेट यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल चुंबा के निदेशक पिंटू प्रजापति ने खिलाड़ियों को उपहार स्वरूप एक विशेष वस्त्र भेंट किया। फेंसिंग में राष्ट्रीय खिलाड़ी व प्रमुख प्रशिक्षक राजीव रंजन को इन खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने में उनकी लगन के लिए खूब सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के आयोजनकर्ता लघु उद्योग भारती के प्रांतीय महामंत्री विजय मेवाड़ के साथ देने में रहे प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रनाथ प्रसाद, लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष अनिल गोयल, कोषाध्यक्ष उमेश राजगरिया, उद्यमियों में सचिन अग्रवाल, मनमोहन सिंह लांबा, विजय पोद्दार व प्रधाना अध्यापिका श्रीमती लीला देवी मौजूद रही, जिन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें सम्मानित किया। रामगढ़ के घाटों में पिछले दिनों आयोजित हुआ स्टेट चैंपियनशिप फेंसिंग का, उसमें ये बच्चे, ये युवा जो विजयी हुए हैं स्टेट लेवल पे, आज उनको हम सम्मानित करके बड़ी खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि इन बच्चों ने पूरे रामगढ़ का नाम झारखंड में परचम फैलाया है और ये इन बच्चों ने अपनी प्रतिभा वहाँ दिखाई और ये बताया है कि हम बच्चे किसी से कम नहीं है। और ये वो प्रतिभा है या ये प्रतियोगिता वो है जो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के ज़माने में खेली जाती थी और इससे जंग जीतते थे, लेकिन अब यह प्रतियोगिता जो प्रतियोगिता बन गई और ये बच्चे स्पोर्ट्स में उसमें आ गए, क्योंकि सरकार भी इस खेल को स्पोर्ट्स के तौर पर ला करके जो प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं उनको उभार रही हैं। ये ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, ये शहर से सटे हुए इलाके हैं जिसमें बच्चे थे और वो बच्चे उभर के हम लोग के सामने आ गए और उन्हें गोल्ड मेडल, ब्राउन मेडल ये जीता है, सिल्वर मेडल जीता है और ये बता रहे हैं कि ये प्रतियोगिता जो है आज हम स्टेट के खेले हैं, कल नेशनल खेलेंगे। बच्चे जो हमारे जिला के हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और उभर के ये स्टेट लेवल पे आए हैं और अपना प्रतिभा को दिखाए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम लोग उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आगे भी वो लोग अच्छा करें और ये कार्यक्रम करके हम लोग एक उत्साहवर्धक काम किए हैं और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। रामगढ़ जैसे रिमोट एरियाज में तलवारबाजी ये नेशनल ओलंपिक का गेम है और आगे हम लोग कामना करते हैं इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे ये लोग नेशनल खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शिवांगी चौहान है और मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ और अभी स्टेट में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। हम दिसंबर में हमारा नेशनल चैम्पियनशिप है तो हम उसके लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे हम स्टेट में मेडल लेके आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि नेशनल में भी बहुत आगे तक जा सके और मेडल ला सके। 2021 से हमें मतलब स्टेट में भी मतलब नेशनल में भी मेडल आना स्टार्ट हुआ है झारखंड को, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगे और भी नाम बढ़ाए झारखंड का और इंटरनेशनल भी खेलें। विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के स्पोर्ट्स शूज 10-30% तक के विशेष छूट के साथ तो आज ही आए गुप्ता फुटवियर, संजय मार्केट, गोला रोड चट्टी बाजार, बगड़िया ब्रदर्स के अपोजिट रामगढ़ कैंट, रामगढ़। मेरे नन्हे कदम अब्ली स्कूल इज नर्चरिंग चाइल्डहुड विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फुल ऑफ एक्सपोजर, अवार्डेड एज बेस्ट प्री स्कूल इन ईस्टर्न इंडिया। विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच रांची बिहाइंड फिरायालाल एंड अशोक नगर इन रामगढ़ नियर मिलोनी क्लब बिचोलिया रामगढ़ कैंट। माँ पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ तो आज ही आए माँ पीताम्बरा फर्नीचर अशोका होटल के सामने गली में लोहा टोला रामगढ़ कैंट रामगढ़। संपर्क करें